और उसके बाद हमारा बच्चा फिर वहाँ उनके अबू बोले तो बच्चा मेरा घर नहीं आया, उधर से कहाँ गया से फिर न पता है मेरा बच्चा। कोई झगड़ा लड़ाई भी था? कोई झगड़ा लड़ाई नहीं घर में। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज यहाँ पे आया हूँ, ये रमना मोहल्ला का क्षेत्र माना जाता है, शेरघाटी का रमना मोहल्ला। यहाँ पर इस घर से मोहम्मद शहजाद नाम के एक युवक हैं जो पिछले एक हफ्ते से लापता है, और इसको लेकर इन्होंने शेरघाटी थाने में भी सूचना दी है। पूरी बात हम खुद इनसे जानते हैं, क्या मामला है पूरा? मामला तो उनका कोई विशेष पर्सनली कोई मामला तो नहीं है। 26 तारीख को मॉर्निंग में 11 बजे वो दुकान का कुछ परचून का छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, सुबह 6:30-7 बजे दुकान वो खोल देते थे। तो डेली का सिलसिला है कि सुबह वो जाते थे दुकान खोलते थे और पापा फर फ्रेश होकर नाश्ता करके दुकान पे बैठते थे, फिर वो जाते थे सामान लाने के लिए मार्केट शेरघाटी बाज़ार, वह नंदी चाह हो अशोक चाह कहीं भी जो होलसेलर दुकान है वहाँ जाते थे माल लाने के लिए। पर बट 26 तारीख को वो रिटर्न आए नहीं, जब गए तो गए समझे 11 तारीख से, ना कोई तो जाति को कोई सूचना दी, आवेदन एक एप्लीकेशन लिख के दिए थे शेरघाटी थाना बड़े बाबू को। तो बड़ा बाबू तो कल भी आए थे वेरिफिकेशन करने के लिए, पूछने के लिए कि क्या हुआ, कुछ आता पता चला तो ऐसा तो कुछ मामला अभी तक पता नहीं चला है। और उनका कोई विशेष जैसे होता ना कि जाति दुश्मनी किसी से कुछ पर्सनली मैटर, तो उनका ऐसा व्यवहार रहा है मोहल्ला में आप किसी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी जनता आवाम जो है यही आपको बोलेगा कि उनसे किसी से लड़ाई झगड़ा आपसी दुश्मनी किसी से कुछ नहीं। और ये एक चीज़ और है प्लस पॉइंट कि वो कभी किसी से आज तक अपना व्यवहार उसका बढ़िया ही है, मार्केट जाते थे सामान लाते थे दुकान पर रहते थे और मोबाइल नहीं रखते थे वो अपने पास, पर्सनल मोबाइल उनका नहीं था। मोबाइल जो कुछ हम लोग रखते थे उन मतलब सीधा साधा बंदा था, उनको मोबाइल से दुनिया से वाकिफ ज़्यादा नहीं थे, वो इतना एक्टिव भी नहीं थे कि मोबाइल चला सके। अच्छा। हाँ बाकी बिजनेस माइंड थे, पढ़े लिखे थे, ऐसा कोई नहीं है, कोई मेंटली प्रॉब्लम भी नहीं था, कोई विवाद भी नहीं था ना तो यहाँ से ना तो ससुराल से। क्या लग रहा है? शक तो यही लग रहा है कि शेरघाटी बाज़ार जहाँ देखा गया है, एक दो तीन बंदे मुझे बताए हैं कि हाई स्कूल के फील्ड के पास उनसे मिले हैं, उनके पास मिलने के बाद उसके बाद वहाँ से फिर पता नहीं चला है। तो वहाँ से सीसीटीवी वगैरह ये सब अभी तक तो हम लोग नहीं देखे हैं, बट देखना पड़ेगा, देखने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि वहाँ के बाद वो फिर गए कहाँ। क्योंकि फोन रहता क्या पहने हुए हैं, किस तरह से आसमानी कलर का शर्ट पहन रखे हैं, ग्रे कलर का पैंट पहन रखे हैं, रंग गोरा है। कि बच्चा मेरा 6 बजे दुकान खोल देता था, वहाँ से फिर उनके अबू जाते थे नाश्ता करने के लिए, उनके छुट्टी देते थे तो इसी छुट्टी दिहीन कि बेटा आप जाइए नाश्ता कर लीजिए, आओ नाश्ता करके आइए। इनके अबू क्या चीज़ की दुकान है? दुकान इनका है सब, बच्चों का बिस्कुट है, सब का वगैरह बिस्कुट का है, चॉकलेट है, बिस्कुट है, ये सब का है। और उसके बाद हमारा बच्चा फिर वहाँ उनके अबू बोले तो बच्चा मेरा घर नहीं आया, उधर से कहाँ गया से फिर न पता है मेरा बच्चा। कोई झगड़ा लड़ाई भी था? कोई झगड़ा लड़ाई नहीं घर में, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं मेरा बच्चे से। तो कहीं पता और रिश्तेदार में समूचे पता लगा लिए, कहूँ पता नहीं मेरा बेटा चल रहा है। तो क्या कोई और किसी से लड़ाई झगड़ा भी था? किसी से लड़ाई नहीं हुआ, किसी से जरा भर नहीं। अच्छा से जैसे दुकान मेरा बेटा खोलता था उसी बेटा मेरा गया दुकान खोलने के लिए। उसको कोई फोन कोई आया कुछ को तरह का बात? अब ऐसा तो हम ना बता सकते हैं। आपके पास कोई फोन नहीं आया? जी ना, जी ना, तो जी ना, फोन तो नहीं रखता है मेरा बच्चा। ठीक।